मेरा नाम है प्रीति सिंह और मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। लास्ट 6 ईयर्स से मैं अमेरिका का एक स्टेट है टेक्सास, उसकी डैलस सिटी में रहती हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ वो है अमेरिका में पब्लिक स्कूल का। अमेरिका में बेसिकली 3 टाइप्स के स्कूल होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड होम स्कूल्स, जिनमें से प्राइवेट और होम स्कूल भी स्टेट सर्टिफाइड होते हैं। यहाँ पब्लिक या सरकारी स्कूल में शिक्षा का स्तर कितना अच्छा है इस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि साल 2013 में एक रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ के 87% स्टूडेंट्स पब्लिक, 10% प्राइवेट एंड 3% स्टूडेंट्स होम स्कूल में पढ़ते हैं। मैंने यहाँ आके फील किया है कि यहाँ की सरकार हर बच्चे की एजुकेशन को उतनी ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है जितना कि एक बच्चे के माता पिता। यूएसए में एक कंपलसरी एजुकेशन का रूल है, इसके हिसाब से अगर आपका बच्चा 5 से 6 साल का हो गया है तो उसके बाद आपको उसे स्कूल में एडमिशन कराना ही पड़ेगा, उसे स्कूल जाना ही पड़ेगा। अगर आपका बच्चा स्पेशल चाइल्ड है तो उसको भी स्कूल जाने का पूरा हक है। पर बात आती है कि अगर आप बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे तो क्या होगा? अगर आप ऐसा करते हैं तो इस स्थिति में आप ट्रूएंसी के दोषी पाए जाते हैं। ट्रूएंसी का मतलब है कि बिना किसी रीज़न के शिक्षा से दूर रहना या किसी को शिक्षा से दूर रखना। आपके पास एक्स वाई जी कोई भी रीज़न हो, आपको अपने बच्चे को स्कूल भेजना ही पड़ेगा, वो उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि कंपलसरी एजुकेशन का मतलब सिर्फ एडमिशन नहीं, आपके बच्चे की स्कूल अटेंडेंस 90% से ऊपर भी होनी चाहिए। अगर आप बिना इन्फॉर्म किए अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे, इस स्थिति में स्कूल की तरफ से एक फॉलो अप कॉल आता है। अगर फिर भी बार बार एब्सेंट हो रही है तो कोर्ट की तरफ से आपको एक नोटिस आएगा जिसमें सजा के तौर पे आपको चर्च, ओल्ड एज होम या एनजीओ, ऐसी जगहों पे आपको सोशल वर्क करना पड़ सकता है कुछ दिन के लिए। अगर स्टूडेंट दोषी पाया जाता है तब सरकार या स्कूल प्रशासन की तरफ से उस स्टूडेंट को काउंसलिंग या मेडिटेशन के लिए भेजा जाता है। इसके बावजूद भी अगर आप नहीं मान रहे और बच्चे की छुट्टियां और ज़्यादा हो रही हैं, बार बार हो रही हैं, अगर 6 मंथ्स में आपके बच्चे की 10 छुट्टियां हो गई बिना कोई वैलिड रीज़न दिए और आप टेक्सास स्टेट में रह रहे हैं तो आपको इसके लिए $500 का फाइन लग सकता है। पर अगर आप यही काम कैलिफोर्निया में करेंगे तो आपको इसके लिए जेल भी हो सकती है। मतलब कुछ भी रीज़न हो, आप अपने बच्चे को घर नहीं रख सकते, हर किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकाला जाएगा और आपको स्कूल भेजना पड़ेगा। आपको 15 डेज से ज़्यादा की छुट्टियां चाहिए तो उस सिचुएशन में आपको स्कूल को एक वैलिड रीज़न देके अपने बच्चे का नाम स्कूल से कटवाना पड़ेगा। अगर चलते सेशन में आपका कोई रिश्तेदार इंडिया आया है घूमने और वो 15 डेज से ज़्यादा वहाँ पे है तो आप समझ लीजिएगा कि वो अपने बच्चे का नाम स्कूल से कटवा के आया है, देन वो वापस अमेरिका आके उनको री एडमिशन करवाना पड़ता है। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। आप जिस स्कूल डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं आपको उसी डिस्ट्रिक्ट का नियरेस्ट स्कूल प्रोवाइड कराया जाएगा बच्चे के लिए, और अगर किसी कारणवश उस स्कूल में आपके बच्चे को स्पॉट नहीं मिलता तो उसी डिस्ट्रिक्ट के दूसरे स्कूल में आपके बच्चे को एडमिशन मिलेगा। और जो स्कूल से लाने ले जाने के लिए बस की सेवा है वो भी सरकार द्वारा फ्री प्रोवाइड कराई जाती है। उसी डिस्ट्रिक्ट या एरिया में स्कूल क्यों असाइन होता है? इसका रीज़न ये है कि आप जहाँ रहते हैं आप वहाँ का प्रॉपर्टी, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट टैक्स देते हैं, उसका पैसा सीधा आपके एरिया के रिनोवेशन में एंड उस स्कूल में जाता है। अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर या किसी नेता के बच्चे हैं और आपको पब्लिक स्कूल ज्वाइन करना है तब भी आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के एरिया के स्कूल में ही जाना पड़ेगा। इसे आप राइट टू इक्वालिटी के हिसाब से भी देख सकते हैं, आपको वर्ग, जाति के भेदभाव के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, ये अधिकार सबके लिए ही इक्वल है। मैं एक और बात मेंशन करना चाहती हूँ कि एडमिशन के टाइम पे उन बच्चों का टेस्ट लिया जाता है जिनके लिए इंग्लिश एक सेकेंड लैंग्वेज है। इस टेस्ट को ESL कहते हैं। अगर रिजल्ट में पता लगता है कि आपके बच्चे में इंग्लिश की समझ कम है या फ्लुएंसी कम है इंग्लिश की, तब उस बच्चे को उसी टाइम एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए भी एनरोल कर लिया जाता है, क्योंकि स्कूल का उद्देश्य रहता है कि भाषा की कम समझ की वजह से
बच्चे कुछ पीछे ना रह जाएं, सब बच्चों को एक समान आगे बढ़ने का हक है, इसलिए उन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए एनरोल कर दिया जाता है। अब कोरोना में जब बच्चे स्कूल्स नहीं जा पा रहे थे, तब उनकी एजुकेशन कैसे कंटिन्यू रही, अब हम बात करते हैं इस पे। इस करंट स्कूल सेशन के स्टार्ट होने से पहले हर फैमिली से कंसेंट लिया गया कि आप अपने बच्चे को इन पर्सन भेजना चाहते हैं या आप वर्चुअली स्कूल ज्वाइन कराना चाहते हैं। अगर आपका ऑप्शन वर्चुअली स्कूल ज्वाइन करना है, तब आपसे एक और सवाल पूछा गया कि आपके पास आपके बच्चे के लिए एक अलग से डिवाइस है या नहीं जिससे वो स्कूल ज्वाइन कर पाएगा, और आपका आंसर नहीं है, तब स्कूल की तरफ से बच्चों को आईपैड्स एंड क्रोम बुक्स प्रोवाइड कराए गए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट थे। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मेरी एक फ्रेंड है, उनको टैबलेट प्रोवाइड कराया गया उनके बच्चों के लिए, इसके बाद भी उनकी क्लासेस पता नहीं किसी रीज़न से डिसकनेक्ट हो जाती थी। स्कूल ने उन्हें फ़ोन करके पूछा कि क्या रीज़न है, क्लासेस डिसकनेक्ट क्यों होती है, या तो बच्चे उसको बंद करते हैं या और कोई रीज़न है। उन्होंने बताया कि बच्चे नहीं करते, पर शायद इंटरनेट प्रोवाइडर्स की तरफ से कई बार इंटरनेट बंद हो जाता है जिसकी वजह से क्लासेस डिसकनेक्ट हो जाती है। तब उन्हें स्कूल की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट एक हॉटस्पॉट डिवाइस भेजी गई जिसका हर महीने का रिचार्ज स्कूल वाले करवाते थे, और उन्हें बोला गया कि आपके बच्चों को इससे कनेक्ट करवाओ, क्लासेस रेगुलर रहनी चाहिए, और अगर स्कूल से असाइनमेंट्स मिलते हैं और आप प्रिंट्स नहीं ले पाते, आपके पास प्रिंटर नहीं है, तब भी आप स्कूल को मेल डाल दीजिए, वो आपके प्रिंटआउट्स निकालेंगे, आप स्कूल आवर्स में जाके वो पैकेट अपना पिकअप कर सकते हैं। यहाँ तक भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई। तो बेसिकली यहाँ पे स्कूल से जुड़ी हर परेशानी स्कूल अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है, बस आपको अपने बच्चे को भेजना है स्कूल। और अमेरिका पर स्टूडेंट पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने वाला देश है, हर देश को इसी दिशा में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर पढ़ेगा देश तो ही आगे बढ़ेगा देश।